अभी आपका देश बहुत प्रोग्रेस करता जा रहा है, हमारा पड़ोसी देश जो है, और मेन मेन जो चीज है ना कि मतलब एक नेशन कहाँ पर बिल्ड होती है, वो होती है एजुकेशन पर। तो आपने एजुकेशन पर फोकस करना है, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, और अगर अगर आपके पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आसपास के बच्चों की भी आप एजुकेशन स्पॉन्सर करें, क्योंकि जितनी पढ़ाई होगी उतना ही देश ऊपर जाएगा। और एक और चीज की मैं विश करूंगी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो हमेशा साथ साथ हों, यहाँ के लोग वहां जाएं, वहां के लोग यहाँ आए। सो ये सबसे बड़ी मिसाल होगी जो हम दो देश मिलकर दुनिया को दे सकते हैं, क्योंकि देखें ना, यूरोप में 26 कंट्रीज हैं, कोई बॉर्डर नहीं है, सब आते जाते हैं, ओपन बॉर्डर है, जहाँ दिल करे लोग चले जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, मिलजुल कर प्यार से रहने में बहुत अच्छाई है, और दुनिया में इंसानियत यहीं पर बाकी रहेगी, क्योंकि वी ओनली लिव वंस, तो उसमें ये ऐसे दूर दूर रहने का फायदा नहीं है। आपने इंडिया के ग्रोथ की बात की कि किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में वो है, लोग नो माइग्रेट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं उनकी इकोनॉमी को लेकर भी। तो पाकिस्तान को एज अ कंट्री किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए आपके पर्सपेक्टिव में कि वो एज अ कंट्री भी डेवलप कर सके, क्योंकि हमेशा ये होता है कि पाकिस्तान इंडिया के कंपेरिजन में बहुत लैग कर रहा है। हम बहुत सारी स्टेटमेंट सुनते हैं कि उन्होंने G20 कर लिया, वो चंद्रयान पर चले गए, बट हम अभी बहुत पीछे हैं एज अ कंट्री। सो पाकिस्तान को एज अ कंट्री क्या चीजें करनी चाहिए, किन चीजों में वो लैग कर रहा है? देखिए, हर किसी का एक अपना टाइम होता है, अपना तरीका होता है, और हर देश यही चाहता है कि उनकी जो कंट्री है वो डेवलप करे। सो आई एम श्योर जो हमारे लीडर्स हैं वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा ही प्लान कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं। सो वो वक्त के साथ साथ आप रिजल्ट्स भी देखेंगे। हर जगह पर, हर देश में कभी कभी ऊंच नीच आ जाती है। सो जो भी है वो इन प्रोसेस है, और बहुत जल्दी आप कुछ नया भी देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी देखे ना, पहले हमारे पास बिजली नहीं होती थी, कितने मुल्कों में बिजली नहीं होती थी, अब बिजली है, अब सोलर सिस्टम है, हर जगह पर ट्रेन है, मोबाइल देखें, एक जमाने में फोन सुनने के लिए एक फैक्ट्री में जाया जाता था कि अब्बू का फोन आएगा तो फोन सुनेंगे, अब हर घर में, हर कंट्री में फोन है, वाईफाई है। तो कंट्री डेवलप कर रहा है, कंट्री डेवलप कर चुका है, अब कितना पीछे से तो आगे आ गए हैं। तो वक्त पर हर चीज होती है, सब कुछ सही है, हर देश की अपनी अपनी प्रोग्रेस होती है।